मैं जो झांसी का ही रहने वाला हूं और राज सानिल जी के साथ का बचपन के मित्र हूं, हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं। ड्रीम गर्ल में और जनहित में जारी दोनों ही पिक्चरों में जो है राज सानिल जी के ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे और मुझे उनकी शिकायत करनी पड़ेगी, इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं कतरा रहा था कि भाई अपने ही मित्र अपने भाई के खिलाफ कैसे मैं खड़ा कैसे फेस करूं, कैसे हमारी बौद्धिक संपदा होती है, इसी से हमारा जीवन यापन होता है। ड्रीम गर्ल फिल्म से मशहूर हुए डायरेक्टर राज सानिल अब फिर विवादों में एक बार घिर गए हैं। उन पर फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप लगाया है। एक उनके व्यक्ति हैं, बचपन के मित्र हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी फिल्म की ये कहानी उनको दी, उन्होंने उस पर एग्रीमेंट ना करके अपनी फिल्म बनाना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। झांसी के SSP कार्यालय में ये शिकायती पत्र उन्होंने दिया है, इनसे हम सिलसिलेवार समझते हैं। आपका नाम क्या है जी? अंकुर शुक्ला नाम है मेरा जी। मैं जो झांसी का ही रहने वाला हूँ और राज सानिल जी के का बचपन के मित्र हूँ, हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं यहाँ पर जी। काम क्या है, आप क्या करते हैं जी? हम लेखक हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानियाँ, स्क्रीन पे डायलॉग, तीनों चीज़ें लिखता हूँ मैं जी मुंबई में जी। और कहानियाँ हमारी बौद्धिक संपदा होती हैं, इसी से हमारा जीवन यापन होता है जी। तो आपके साथ ये घटना, जो स्क्रिप्ट आपने फिल्म की कहानी उनको दी राज सानिल को, तो आप बचपन से जानते हैं, भरोसा करके आपने उनको दे दी कहानी कि आपसे वो एग्रीमेंट करें, वो आपके इस पे फिल्म बनाए, वो आपका नाम भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ इसमें? देखिए, मैंने उनको कहानी दे दी 29 अप्रैल 2020 को, मैंने जो है कहानी उनको सुनाई थी। इसके बाद जो है मैंने उन्हें मई और जून महीने में कहानी जो है वो व्हाट्सएप और जीमेल के माध्यम से कहानी भेजी भी। कहानी भेजने के बाद उनको कहानी बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे। मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा कि भाई एग्रीमेंट कर लीजिए मेरे साथ में, तो वो एग्रीमेंट को टालते रहे। और जब मुझे पता चला कि वो फिल्म निर्माण करने वाले हैं, फिल्म का अनाउंस करने वाले हैं 25 फरवरी 2023 को, फिल्म के डायरेक्टर के द्वारा ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, श्री इशरत खान द्वारा, कि वो फिल्म का 25 फरवरी को अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 8 फरवरी को मुझे ये जानकारी मिली, तो मैंने उन्हें मेल किया, मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया कि भाई मेरी कहानी है। उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, उनके पार्टनर श्री बीमार लाहौटी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। जब मैंने अपनी मांग की तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अंकुर बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद हमारी मीटिंग समाप्त हो गई। उनका फिर फ़ोन आया राज सानिल जी का, बीमार लाहौटी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड किया उन्हें। अगले दिन 15 फरवरी को फिर से मीटिंग हमारी हुई। धमकी कौन देते हैं? बीमार लाहौटी जी जी। अगले दिन फिर से मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है उन्होंने बहुत ही कम पैसों का प्रस्ताव मुझे दिया। मैंने कहा ये तो जो मतलब इस प्रस्ताव में तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी कहानी ले जाइए आप। इसके बाद मुझे जानकारी मिलती है, बिना फिल्म को अनाउंसमेंट किए हुए उन्होंने फिल्म की कहानी चुरा ली, धोखाधड़ी करके जो है वो फिल्म की शूटिंग निर्माण कार्य चालू कर दिया। 24 मार्च की डेट से उन्होंने ओरछा में शूटिंग स्टार्ट कर दी और 28 मार्च को फिल्म जो है वो सोशल मीडिया में अनाउंस कर दी, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से। जब मुझे जानकारी मिली तब मैं फिल्म की कहानी जो आपने दी थी सेम वही है और फिल्म वही बन रही है, केवल नाम उसका चेंज कर दिया गया है जी। कहानी बिल्कुल वही है, सेम टू सेम कहानी है। हाँ जी। और उसका आपने उनको ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए सारी कहानी आपने भेजी उनको जी, जी, जी। उसके बाद उन्होंने आपसे, वो तो केवल पल्ला झाड़ना चाह रहे थे कि आप मिनिमम पैसा ले लीजिए, क्योंकि कहानी तो उनके पास ऑलरेडी आ चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसीलिए वो आपको उसका श्रेय नहीं देना चाह रहे थे। अच्छा, इससे पहले राज सानिल आपने बताया है कि विवादों में घिरे रहे, और भी ऐसे मामले आए हैं ड्रीम गर्ल का तमाम जी? ड्रीम गर्ल में और जनहित में जारी दोनों ही पिक्चरों में जो है राज सानिल जी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता आरोप सिद्ध हुए हैं कि नहीं सिद्ध हुए हैं, हाँ आरोप लेकिन लगे हुए हैं। हाँ, अभी आप कहाँ आए हैं और क्या शिकायत किससे की है? देखिए, मैं SSP ऑफिस में इस समय खड़ा हूँ और मैंने SP साहब को एक लिखित जो है एप्लीकेशन दी है और अपने लिए न्याय के अपनी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की उनसे मांग की है मैंने। हाँ, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उनको भेजे? वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, हर चीज़ का मेरे पास सबूत है। मैं सबूतों और तथ्यों के आधार पर सारी बात कह रहा हूँ जी। तो आपके कितने बिल्कुल बचपन से मित्र हैं, आपने भरोसा करके ही इनको दिया होगा? देखिए, मित्र में आप तो आपके ही मित्र होंगे, तो मित्रों पे तो इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि जो है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे परम स्नेही ही मित्र थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे और मुझे उनकी शिकायत करनी पड़ेगी, इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं कतरा रहा था कि भाई अपने ही मित्र अपने भाई के खिलाफ कैसे मैं खड़ा कैसे फेस करूं, कैसे सामने आऊं। लेकिन ये तो जरूरी है क्योंकि आना, क्योंकि आपके साथ नहीं और लोगों के जाने कितनों के साथ होगा, जबकि वो तो एक इतना बड़ा नाम होगा, इस तरह की चिरकुटाई की चीज़ें उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है अब ये तो उनका स्वभाव है, तो वो तो ये लोग यही मानेंगे ऐसा ऐसे ही करके वो आगे बढ़े, दूसरे की कहानी चुराई, अपना नाम लगाया और लोगों का पैसा लगवाया और फिल्म बना रहे हैं
जी बिल्कुल हो सकता है, देखिए ये सत्य भी हो सकती है सारी बातें कि ड्रीम गर्ल और जनहित मुजारी में जो है कहानी चुराई गई है। और सत्य हो सकता, क्योंकि आप तो आप मानेंगे सत्य इसलिए कि आपके साथ घटना हो गई। पहले वो लोग कह रहे होंगे कि उनके साथ हुई, आप नहीं ऐसा नहीं किया होगा। उसमें माननीय न्यायालय किसी विषय पर फैसला नहीं देता, तो हम जो है अपनी इच्छा से जो है किसी पे नहीं कह सकते कि सत्य है या असत्य है। हम न्यायालय में विचाराधीन होगा वो मामला, तो उसमें जो न्यायालय तो अपना आरोप जो लगा रहे हैं वो आप पे जो गुजरी है, आप पे बीती है, दोस्त आपके ही दोस्त ने मित्र ने दगा दे दिया आपके साथ, तो इसके बारे फिर उनके उससे उनसे कोई बात नहीं हुई फिर आप? देखिए मैंने उनसे अंतिम बार तक संपर्क करने की कोशिश किया, अभी मैंने 29 और 30 को भी उनको कॉल किया, मैंने कहा कि भाई मित्र है, अब हम जाके उनकी FIR दर्ज करें। तो ये मुझे मतलब मित्रता का मान रख रहा हूँ मैं, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर शिकायत करने आए हैं राइटर हैं, इन्हीं से इनका सारी चीज़ें चलती हैं। एक राइटर के लिए एक स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कहानी वो बड़ी मेहनत से, कई महीनों की मेहनत से, कई बरसों की मेहनत से वो कहानी तैयार करता है, और वही उनके साथ कोई दगा कर दे और दगा अपना मित्र कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस पर निर्यादव टाइम समाचार झांसी।